नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। छोड़ के कोई रास्ता नहीं है और उम्मीद है हमें न्याय जरूर मिलेगा। सफलता की रोशनी दिखाई दे रही है और एकदम ऊर्जा के साथ आएगी। हर अनुदेशक को ऊर्जावान बनाएगी और उसके जीवन में सफलता उसके कदम चूमेगी सर। और सरकार से लड़ाई है, कोई हतोत्साह ना हो, बस यही आपसे सभी अनुदेशक साथियों से हम अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपने जज्बे को बनाए रखें, संगठन के विश्वास को बनाए रखें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैंने तो आपका खुद देखा है कि आप किस जज्बे के साथ लोगों से मिलती हैं। मैं 2022 का वो 1 जनवरी का दिन याद है कि जब भीषण ठंड थी, कोहरा पड़ा हुआ था, तब भी आप अनुदेशकों की बात रखने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री को, आज डिप्टी सीएम है, उनसे मुलाकात हुई। वो मुलाकात तब सार्थक भी होती और अच्छी रहती अगर सरकार के पास थोड़ा सा समय बचा होता, लेकिन चूंकि वक्त कम था उस समय। शिवकुमार शुक्ला जी भी थे शिक्षा मित्र के, हमने तो सभी संगठन बुलाए थे, सबकी मुलाकात कराई थी और बहुत अच्छी उम्मीद के साथ मुलाकात हुई थी। और उसके असर थे कि कई लोगों के पास फोन पहुंचे थे बीजेपी के नेताओं के कि आप बताइए समस्या क्या है, हम चुनाव बाद ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि वो सब नेतागिरी होती है, लोग कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज आपको रोटी ना मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आज ही खत्म हो गई। हो सकता है कि आज रोटी रोटी जो नहीं मिली है, कल वो पूरा व्यंजन भरपूर आपको थाली में मिले और इसी उम्मीद में सिर्फ जीता है। आपको 2 महीने मानदेय नहीं मिलता तब भी आप ड्यूटी पे जाते हैं, कभी कभी मौका आ जाता है 3 महीने मानदेय नहीं मिलता तब भी आप ड्यूटी पे जाते हैं, फिर एकाएक 3 महीने का आता है तो फिर क्या आप वो मानदेय कहीं फेंक देते हैं? नहीं, तब तक आप उतना कर्ज ले चुके होते हैं कि वो मानदेय आपको यथावत सबको वितरित करना होता, वो आपके खाते में सिर्फ एक दिन आता है। यही खुशियों का कारण है। यही आप यहां सोच लीजिए, अगर आज कोर्ट में नहीं सुनी गई, आप ये मान लो पहले की तरह फिर 26 की जगह 20 हो जाती अक्टूबर, तब कोर्ट जनरेटेड ही हो जाती। इस बार जो तारीख हुई है वो हटेगी नहीं, क्योंकि सीधा जज साहब के यहां से तारीख मिली है तो बदलने के चांस 99% नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पटवालिया जी ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उनके दिमाग में ये रहेगी जब अगली बार सुना जाएगा कि बात तो ठीक है। और मित्तल जी ने ही पहले आपकी याचिका स्वीकार की थी, मित्तल जी ने ही सरकार की याचिका स्वीकार की, मित्तल जी ने ही सरकार से कहा कि 70,000 दे के आइए। तो एक आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति हमारी बेंच में बैठा हुआ है जिसे ये पता है, मेरी तरह जैसे मैं 2 साल में समझ गया हूं कि अनुदेशक को कितनी पीड़ा है, अनुदेशक का कहां 100 बच्चों का मसला फंसा है, कहां ट्रांसफर का फंसा है, कब रिन्यूअल का फंसा है, एक एक बात से जानकारी रखता हूं। अगर कोई मुझे कोर्ट में गवाह में खड़ा कर दे तो मैं पूरी अनुदेशक की बात रख दूंगा, मुझे कतई किसी अनुदेशक से फोन करके पूछने की आवश्यकता नहीं रह गई है। और प्रिया जी तो मौजूद थी जब मैं मिला था ब्रिजेश पाठक जी से, मैंने पूरी बात एक गुजर सुना, तब तो मुझे सिर्फ 2 महीना सम्मिलित हुए थे। विक्रम सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं, ट्रेन में हैं, अभी मैंने कुछ चंद क्षणों पहले ही उन्हें विदाई दी है। विक्रम सिंह, लोग सुनना चाहते हैं, प्रिया जी ने एक अपील की है कि अनुदेशक हताश न हो। मैं तो उन अनुदेशकों से आज सबसे ज्यादा नाराज हूं जिन्होंने आज ग्रुप में जब ये केस की न सुनवाई की बात आई तो सबसे पहले उन्होंने, कोई एक पुरानी तस्वीर थी, एक अनुदेशक ने रेल के सामने कटकर आत्महत्या की, वो तस्वीर शेयर की। ये बहुत घटिया बात है, पता नहीं है, आप एक जान दे नहीं सकते, आप एक चीटी में जान डाल के देखिए, लेकिन आप एक जान ले सकते हैं। ऐसी तस्वीरों से जब आप मामला थोड़ा डिसवैलिड हुआ हो, ऊपर नीचे हुआ हो, उस समय आदमी बहुत कुछ सोचता है। और आप इन तस्वीरों से, मैं सबसे अपील करूंगा और अनुरोध करूंगा, इस बात पर नाराजगी भी जाहिर करूंगा कि आप कभी भी पिछली तस्वीरें इस टाइप की ग्रुप्स में शेयर ना करें। आप हौसला बढ़ाइए।